पाओ सेंगल करूं आने अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। कह रहा है कंगा बाहू तो फेरी गल करूंगा। लो बेटा चलो बात शुरू कर दो। पाउडर बेटा रात में कौन पाउडर लगाता है? पुराने जमाने हो गए ना पाउडर लगाने। चलो बात करो पहले आप। बेटा पहले बात करो फिर। और ये क्या कर रहे हो बेटा? अब बंदों की तरह क्यों नहीं बोलते, इंसानों की तरह बोला करो। बात करेंगे एनओसी के मतलब। ऐसा नो नहीं एनओसी के पर बाबी एनओडी के पल्लट। एनओसी और ओडी के पल्लट। एम ओडी के पल्ला कह रहा है हैरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर होंगे। बात करेंगे एनओसी के मतलब। एक दोस्त ने बार बार कमेंट किया, वो कहते हैं भाई वीडियो बना के शेयर करो, तो मैंने सोचा इसा के साथ थोड़ी इंटरटेनमेंट करते हैं। भाईजान अभी तक एनओसी का जो रूल है वो नया शुरू नहीं हुआ। बारहा जो है न्यूज़ में आ रहा है कि जी एनओसी ख़त्म कर दिया गया है और अब लोग जो हैं उनको बगैर एनओसी के बगैर किसी रिक्वायरमेंट के पुरानी कंपनी से किसी चीज़ के बगैर नया वीज़ा मिल जाता है, नई जॉब्स मिल जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अभी तक जो है ओमान में कोई जॉब्स इतनी बहुत ज़्यादा ओपनिंग नहीं है। दूसरा आपके सामने है वीज़ा जो है वो आए दिन जो है बैन कर दिए जाते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलते हैं, बाद में फिर बैन हो जाता है। फ्लाइट ऑपरेशन अभी तक बैन है, वीज़ा बैन है और कोई भी डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई कि कब दोबारा से फ़्लाइट जो है वो आना शुरू हो जाएंगी और ओमान के वीज़ा इशू करना शुरू कर दिए जाएंगे। और दूसरा ये भी कि बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। इस बात को ज़रूर समझिएगा कि बहुत सारी जॉब्स जो हैं कोई ना कोई हर महीने कोई ना कोई खबर आती है कि जी ये जॉब्स जो खारजों के लिए ख़त्म कर दी गई, ये जॉब्स ख़त्म कर दी गई। तो उसके बाद आप फिर लॉजिक समझ गए जो हम बात नहीं कर रहे। तो क्या है कि जैसे ही कोई ख़बर आती है, और ये भी कि जो लोग ऑलरेडी बाहर हैं जिन्हें जिनको लेट्स सपोज के पुरानी कंपनी क्लियरेंस लेटर नहीं देती और सॉरी एनओसी के बगैर जो है कहते हैं एनओसी ख़त्म कर दिया गया लेकिन पुरानी कंपनी जो है उसको हक है कि वो आपको इजाज़त दे या ना दे, यानी उसको फिर भी मुकम्मल इख्तियार है। अगर वो विलिंग होंगे तो आप कहीं और जाके जॉब कर सकते हैं वरना नहीं। और उसके लिए आपको पुरानी कंपनी से अरबाब से स्पॉन्सर से एनओसी लेटर लेना होगा और सॉरी क्लियरेंस लेटर लेना होगा। अगर वो क्लियरेंस लेटर दे देता है तो आपको नया वीज़ा इशू हो जाएगा, नई जॉब कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो लास्ट टाइम भी मैंने जो लास्ट वीडियो में उसमें जिक्र किया था कि अगर वो बंदा पुरानी कंपनी पुराना अरबाब आपको क्लियरेंस लेटर नहीं देता तो फिर क्या होगा, क्या आप कभी भी ओमान में नहीं आ सकेंगे, क्या आप कभी भी जो है जॉब चेंज नहीं कर सकेंगे? तो जवाब है बल्कि जवाब लेस, कोई जवाब नहीं इस चीज़ का अभी तक, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। बारहा जो है न्यूज़ में यही आ रहा है January 1, 2021 से कि जी एनओसी ख़त्म कर दिया गया, लोग चेंज कर सकते हैं, एनओसी ख़त्म कर दिया गया। जब मैन पावर जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो 100% तरीक़ाकार शेयर कर देगी कि जी एनओसी ख़त्म हो गया, अब लोग जो हैं इस तरीक़ा के बाद जो है ओमान में आ सकते हैं। जिन लोगों को जिनको कंपनीज को लोग जिन जो कंपनीज जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को रिलीज दे देती हैं एनओसी या क्लियरेंस लेटर दे देती हैं उनको तो वीज़ा मिल जाता है, बाकी मिनी का भी और बाकी लोग किधर जाएंगे? आपके सामने है आजकल के हालात भी, और हर बंदा जो है पैसे के पीछे पहले भाग रहा है, बाकी काम की बातें बाद में होती हैं। तो इन शॉर्ट एनओसी अभी तक जो है मार्केट में खबर ही है कि ये ख़त्म हो गया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, नए रूल्स क्या होंगे, कब जो है लोग जो हैं जॉब चेंज आसानी से कर सकेंगे बगैर इवन के क्लियरेंस लेटर भी नहीं होना चाहिए। ओके एनओसी ख़त्म हो गया जी, दोबारा से क्लियरेंस लेटर चाहिए आपको, उसकी तो लॉजिक फिर बनती नहीं है, लेकिन अभी भी क्लियरेंस लेटर आपको लेना लाजमी होगा। पुरानी कंपनी और बाप एग्री होगा तो आपका वीज़ा चेंज होगा। तो जब तक ये खबर नहीं आ जाती, आरओपी मैन पावर कन्फर्म नहीं कर देते कि भाई ये तरीक़ाकार होगा, ये लोग एलिजिबल होंगे, तो जो है हम कुछ कह सकेंगे। सो वो खबर कब आएगी, वो दिन कब आएगा, इसके मतलब अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ना ही फ्लाइट ऑपरेशन वीज़ा अपने की कोई अनाउंसमेंट है। और ये दादर फादर सी वीडियो बना के जो है ना आप लोग शायद हमें भी थोड़ा सीधा करोगे, मेरे ख्याल है थोड़ा। और बाकी एक और टिकटॉक के ऊपर जिन लोगों ने हमारे साथ जो है ना हरकत की, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, आई डोंट नो कि वो क्या चाहते हैं हमारे से। खैर इसके ऊपर एक अलहदा सी वीडियो डालते हैं, लोग जो है ना बिला वजह तंग करते हैं किसी को, तो अब क्या कह सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मजीद खबरों के साथ मजीद खबरों के लिए हमारा चैनल विज़िट करते रहिए। मैं बड़ा परेशान हूँ टिकटॉक की वजह से, कुछ लोगों की ऐसे जो शैतान है वो बाज नहीं आते ना, तो इसलिए परेशानी होती है। हमें तो होती है भाई, बाकी लोगों को होती होगी तो नहीं, वो उसका हमें नहीं पता है।
लेकिन हम चूंकि हर बंदे के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, हर बंदे को रिप्लाई करते हैं, तो इसलिए हमें एहसास ज़्यादा है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।